नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी विद्यार्थियों का, प्रशिक्षुगण का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएड, जो भी बीएड कर रहे हैं विद्यार्थी, जो भी प्रशिक्षुगण बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर जिनका है इस साल, ठीक है, जो जिन काउंसलिंग जो करा, मतलब काउंसलिंग करा करके जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो हैं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उनके लिए है वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, मतलब ये जानेंगे कि कैसे पेपर आता है, एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, प्रश्न कैसे आता है, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस पेपर के बारे में, फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पेपर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और फर्स्ट पेपर कौन सा है, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न कैसे आते हैं, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नोट, सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए, कहने का मतलब सभी खंडों को हल करना है, लेकिन निर्देश पढ़ करके, मतलब किस में से कितना प्रश्न करना है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तो देख लीजिए पहला क्या है, इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। ये मतलब पहला जो प्रश्न है इसमें यही आता है, कहने का मतलब अति लघु उत्तरी प्रश्न है, अति लघु उत्तरी प्रश्न में आपको आंसर देना है 50 शब्द, लगभग 50 शब्द, 50 से ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, लगभग 50 शब्द इसमें लिखे जाते हैं, 50 से कुछ ज़्यादा भी, ठीक है, हो सकते हैं। तो इसमें 10 प्रश्न आते हैं, पहले प्रश्न में टोटल 10 रहते हैं। तो देखिए जैसे पहला हो गया वृद्धि का अर्थ बताइए, तो वृद्धि का अर्थ, वृद्धि के अर्थ के बारे में हम लोग इसमें लिखेंगे। दूसरा है वृद्धि और विकास में 4 अंतर बताइए, वृद्धि और विकास में 4 अंतर क्या होते हैं, तो ये मतलब प्रथम सेमेस्टर में आप लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट ये सब है। इसके बाद तीसरा है बालक के सामाजिक विकास में घर की भूमिका, मतलब बालक के सामाजिक विकास में घर की कुछ ना कुछ भूमिका ज़रूर होती है, तो क्या भूमिका होती है उसको इसमें लिखना होगा। चौथा है शांति व्यवस्था में 5 बाधक तत्वों का नाम बताइए, शांति व्यवस्था में 5 बाधक तत्व, शांति व्यवस्था को जो बाधा पहुँचाते हैं शांति व्यवस्था में, उन 5 तत्वों को लिखना है इसमें, ठीक है। और पाँचवा देखिए, पांचवा है नैतिक विकास के स्तरों का वर्णन कीजिए, नैतिक विकास के बारे में आपको इसमें लिखना होगा। छठा देखिए, छठा है शैक्षिक अवसरों की समानता में अध्यापक की कोई दो भूमिका, शैक्षिक अवसरों की समानता में अध्यापक की भूमिका होती है, जिसमें से आपको इसमें 2 पूछा गया है, 2 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जनतंत्र क्या है, केवल एक अवधारणा स्पष्ट कीजिए, तो जनतंत्र के बारे में आपको लिखना है इसमें, ठीक। अगला है अच्छे पड़ोस के संबंध में 4 बिंदुओं को लिखिए, अच्छे पड़ोस के संबंध में 4 बिंदुओं को लिखना है, अच्छा पड़ोस कैसा, मतलब अच्छे पड़ोस के बारे में 4 बिंदु लिखिए, 4 विशेषताएँ लिखिए अच्छे पड़ोस की, ठीक। अगला है विद्यालय में संघर्ष के 2 कारण बताइए, विद्यालय में संघर्ष के 2 कारण, ठीक है, ये भी आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, पूछा जाता है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। लघु उत्तरी प्रश्न जो रहता है, प्रत्येक प्रश्न 8-8 अंकों के होते हैं, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न आपको करना है, और कहने का मतलब 8-8 नंबर का 5 प्रश्न, कहने का मतलब 40 नंबर का ये हो गया, ठीक है। और इसमें प्रश्न देखिए क्या आया है, तो विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, विकास के सोपानों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है, विकास के सोपानों को लिखना है, स्टेप को लिखना है, ठीक है। अथवा
ये करिए चाहे उसी में अथवा करके आता है, वृद्धि और विकास के अर्थ और विशेषताओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। वृद्धि और विकास में, वृद्धि और विकास की विशेषता में अंतर बताना है आपको, ठीक है। तीसरा है जनतांत्रिक शिक्षा का अर्थ, गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जनतांत्रिक शिक्षा का अर्थ लिखना है और गुण क्या है इसके और इसके क्या दोष हैं ये लिखना है आपको, ठीक है। तीसरा में ही अथवा करके आया है, कहने का मतलब तीसरा में चाहे ये करिए चाहे इसको करिए, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ठीक है। चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, दो दो प्रश्न दिए रहेंगे, मतलब एक एक करना होगा। जैसे दूसरे में दो दिया है तो एक ही करना है, तीसरे में दो दिया है तो एक ही करना है इसमें भी, और चौथे में भी इसी तरह से, पाँचवें में भी, छठे में भी, ठीक है। तो चौथा देखिए चौथा है बच्चे के सामाजिक विकास में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। बच्चे के सामाजिक विकास में विद्यालय की क्या भूमिका होती है उसको लिखना है इसमें, ठीक है। लगभग 200 शब्दों में इसमें लिखना है आपको। इसके बाद चौथे में ही अथवा करके चौथा है बच्चे के सामाजिक विकास में कुल कितने सोपान हैं, विस्तृत रूप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सोपान के बारे में, मतलब कितने सोपान होते हैं सामाजिक विकास, मतलब बच्चे के सामाजिक विकास में कितने सोपान होते हैं उसी को बताना है। पांचवा देखिए व्यक्ति के पहचान को प्रभावित करने वाले निर्धारित घटक कौन कौन से हैं, विस्तृत स्पष्टीकरण दीजिए, कहने मतलब इसको स्पष्ट करिए, कहने मतलब इसके बारे में लिखना है आपको, किसके बारे में, व्यक्ति के पहचान को प्रभावित करने वाले निर्धारक घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। पांचवा में अथवा है एक आप करिए चाहे इसको करिए, एक बालक की पहचान बनाने में अवस्था, भाषा, जाति और विद्यालय में कौन सा घटक सबसे अधिक प्रभावपूर्ण है, प्रमाणित कीजिए, ठीक है। तो इसको भी लिखना है आपको, सभी में से एक एक, कहने मतलब ये जो खंड ब है, दूसरे में से एक करेंगे, तीसरे में से एक करेंगे, चौथे में से एक करेंगे, पांचवें में से एक करेंगे, छठे में से भी एक ही करेंगे, ठीक है ना। अब छठा देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास क्या है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की खोज की है वर्णन कीजिए, ठीक है। जो ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है इसके बारे में आता है और ये महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद छठे में ही अथवा करके है, हमारा भारतीय संविधान सबके लिए शिक्षा का पक्षधर है, इस दिशा में हमने अपने लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त कर लिया है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। छठे में चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए, मतलब जो लघुत्तरी जो होता है इसमें अथवा करके आता है, एक प्रश्न में दो, मतलब सभी में दो दो दिए रहते हैं, जैसे दूसरा है तो दूसरे में दो रहेगा, एक करना होगा, तीसरे में भी दो रहेगा, एक करना है, चौथे में भी दो है और एक करना है, इसी तरह से इसमें रहता है लघुत्तरी में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग खंड स को, क्या देखेंगे, खंड स को देखेंगे, खंड स मतलब ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहता है, विस्तृत उत्तरी जिसको कह सकते हैं, ठीक है, जो बड़ा रहता है, विस्तार पूर्वक इसमें लिखना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए इसको देख लेते हैं, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए, लगभग इसका उत्तर हमको 500 शब्दों में देना रहता है, 500 शब्द, लगभग 500, कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो लगभग 500 शब्द लिखना होता है इसमें, तो और इसमें दो प्रश्न करना है आपको, कितने, दो प्रश्न। तो देखिए जो भी इसमें आपको आता है अच्छी तरह से, जो आपको आता हो वही करेंगे, ठीक है। जिसमें हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप जानते हैं, और जो भाषा वैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं हैं, जो भी विचारक हैं, जो भी परिभाषाएं दिए हैं, उनकी परिभाषाएं अगर आपको याद हैं इसमें से किसी क्वेश्चन की, और हेडिंग ज़्यादा जानते हैं तो उसी को आप करेंगे, ठीक है। हेडिंग पर नंबर मिलता है, और जो भी परिभाषाएं रहती हैं
उसको भी याद रहना चाहिए, क्योंकि जो परिभाषाएं होती हैं वो अपने शब्दों में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, वो जो जिसकी परिभाषा है उसी की भाषा में लिखना है, ठीक है, और सब अपने हिसाब से, और सब जो लिखेंगे उसमें अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, अपने आधार पर लिखेंगे, लेकिन जो परिभाषाएं लिखी जाती हैं ये तो जिसकी परिभाषा है उसी जैसे दिया है परिभाषा वही रहना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें से देख लीजिए, सातवां प्रश्न है, वे मुख्य कारण कौन से हैं जो शिक्षा के समानता के अवसर की पूर्णता में बाधा डाल रहे हैं। तो यदि आपको ये आता है तो इसको करेंगे। आठवां है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन से होने वाले लाभ एवं हानियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा जानते हैं आप, अच्छी तरह से जो जानते हैं उसी को करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में जानकारी बहुत अच्छी है आपको, जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं उसी को करेंगे, ठीक है, दो किन्हीं दो को। देखिए अगला, बाल्यावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है, बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास होते हैं और इसकी विशेषता क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना होगा। दसवां है, बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की भावना के विकास पर एक लेख लिखिए, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं अगर आता हो आपको। ग्यारहवां है, बालक के संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है, सविस्तार व्याख्या कीजिए, ठीक है, तो यही था, यही प्रश्न थे, इसमें सब टोटल यही प्रश्न थे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह के और भी पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आपको और भी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा, इस चैनल पर आकर के आप देख सकते हैं, ठीक है, तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।